बीजेपी ने मैनपुरी से डिंपल के सामने रघुराज को उतार कर साधे एक तीर से दो निशाने। मैनपुरी के चुनावी रण में बीजेपी की जीत का सूत्रधार सपा परिवार का ही एक नेता है। शिवपाल की सपा से दूरियां, बीजेपी प्रत्याशी से नजदीकियां बनेंगी सपा की हार का एक बड़ा कारण। सपा ने तैयार की मैदान की पिच, बल्लेबाजी को तैयार है बीजेपी के रघुराज शाक। इन समीकरणों ने सपा परिवार के अंदर मचाई खलबली, सताया हार का डर। बीजेपी अपनाने जा रही ये बड़ा दाव, डिंपल को पटखनी देने को है तैयार। जी, मैनपुरी उपचुनाव की घोषणा होते ही यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जहां सपा ने एक बार फिर से परिवारवाद की राजनीति खेलते हुए अपने ही परिवार की सदस्य डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने अनुभव और चेहरे की ताकत को समझते हुए रघुराज शाक को मैदान में उतारा है। नेताजी की विरासत बचाने में जहां सपा परिवार एकजुट हो गया है, तो वहीं मैनपुरी सीट जीतकर बीजेपी इतिहास लिखने की पूरी तैयारी में है। आने वाले 5 दिसंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। करीब 2 हफ्ते का वक्त बचा पड़ा है। पार्टियां प्रचार प्रसार में अभी से जुट गई है, लेकिन अभी से ही नतीजों के समीकरण निकल कर जो सामने आ रहे हैं, उससे बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं और पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे सपा के किले में सेंध लगानी है। आखिर कैसे सपा के हार के बड़े कारण बनेंगे शिवपाल यादव, आखिर कैसे बीजेपी को इनसे बड़ा फायदा मिल रहा है, ये पूरा समीकरण यहाँ समझिए। शिवपाल यादव की सपा से दूरियां, रघुराज से नजदीकियां, बीजेपी को होगा बड़ा फायदा। आप भी जानते होंगे कि बीते कई सालों से सपा में एक बड़ी कलह चल रही है। शिवपाल की सपा से दूरियां और अखिलेश से आपसी मतभेद, ये पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी जानता है। यही वजह है कि सपा से दूरियां और रघुराज से नजदीकियां चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। रघुराज अब जिस पिच पर बल्लेबाजी करेंगे वो भी सपा में रहते तैयार की हुई है। इसके अलावा शाक और पिछड़ा वर्ग का एक वोट बैंक भी पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद है। उनके प्रत्याशी बनने से बीजेपी को हर तरह से फायदा नजर आ रहा है। सबसे हैरान कर देने वाला मामला तो सोमवार को दिखा, जब सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने मैनपुरी से नामांकन दाखिल किया तो शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव को छोड़कर सैफई परिवार का हर एक शख्स नजर आ रहा था, लेकिन शिवपाल और उनके बेटे नजर नहीं आए, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि अभी शिवपाल और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिवपाल की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो डिंपल का समर्थन करेंगे या फिर नहीं। हालांकि अखिलेश, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव की ओर से जरूर बार बार ये कह रहे हैं कि परिवार एकजुट है। यही वजह है कि मौके का फायदा उठाकर बीजेपी ने मैनपुरी की सत्ता पर काबिज होने के लिए रघुराज को प्रत्याशी बनाया है। कभी सपा के मजबूत नेता थे रघुराज, आज उसी सपा के सामने विरोधी बन खड़े हुए। दरअसल रघुराज कभी सपा के मजबूत नेता थे। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव से इनकी नजदीकियां जग जाहिर है। मुलायम और शिवपाल को रघुराज गुरु मानते हैं। राजनीति के जानकार भी ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा धर्म संकट शिवपाल के सामने है। परिवार के लोगों के कहने पर वो डिंपल का समर्थन भले ही करे, लेकिन रघुराज का विरोध भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर शिवपाल फैक्टर इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। मैनपुरी के साथ ही इटावा की जसवंत नगर सीट पर शिवपाल का प्रभाव है। जसवंत नगर सीट से शिवपाल 1996 से लगातार विधायक है। यहाँ 385,000 मतदाता हैं। रघुराज भी प्रत्याशी घोषित होते ही मुलायम सिंह यादव और शिवपाल के नाम को आगे करने लगे हैं और सपा पर हमलावर हैं। रघुराज ने सपा के साथ की थी राजनीति की शुरुआत, अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। रघुराज 1999 और 2004 में सपा के टिकट से 2 बार सांसद बन चुके हैं। वो इटावा सीट से जीत कर संसद पहुंचे थे। 2012 में उन्होंने सपा के टिकट पर सदर सीट से भी चुनाव लड़ा है और जीत दर्ज की है। शिवपाल के करीबी होने के कारण सपा ने 2017 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। इस वजह से वो नाराज हो गए और 27 जनवरी 2017 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और शिवपाल के साथ मिलकर उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन बीते 7 फरवरी 2022 को वो भाजपा में शामिल हो गए। मैदान में उतरते ही रघुराज ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला, विरासत पर कह दी बड़ी बात। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित होते ही पूर्व सांसद रघुराज ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि विरासत संपत्ति में होती है, राजनीति में नहीं। परिवारवाद केवल सैफई में है। डिंपल यादव से नेता, विधायक और सांसद तो मिल नहीं पाते, कार्यकर्ता क्या मिलेंगे। रघुराज ने कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, तो वो भी मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं। शिष्य के नाते उनका भी उतना अधिकार है जितना देश की जनता का। मैनपुरी की जनता ये चाहती है कि उनके बीच का प्रतिनिधि हो। रात के 12 बजे ही क्यों ना हो, भले ही जनता दरवाजा खटखटाएगी, वो मैनपुरी के एक गांव में पहुंच जाएंगी। शाक ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने हम जैसे ना जाने कितने पौधे लगाए, लेकिन अखिलेश ने उन्हें काटने का काम किया है। वहीं शिवपाल सिंह का सहयोग मिलने की बात पर रघुराज ने कहा कि हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य आगे बढ़े, उसे खुशी मिलती है। मैनपुरी की लड़ाई कोई बड़ी नहीं है, वो लगातार 2 बार इटावा से लोकसभा चुनाव जीते हैं। इतिहास हम नहीं, मैनपुरी की जनता बनाएगी। किसान का बेटा हूं और गांव से निकलकर आया हूं,
उम्मीद है इस बार कुछ बड़ा होगा।